जब भी कभी हम घर में आलू गाजर की सब्ज़ी बनाते हैं, या तो वो टेस्टी नहीं बनती है या फिर वो मीठी बन जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ कि आप सब्ज़ी को किसी भी तरह से बना लोगे, आपकी सब्ज़ी हर हालत में टेस्टी ही बनेगी, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। इस सब्ज़ी को हम कुकर में बनाएंगे, बहुत ही कम सामान से बनाएंगे और बहुत ही कम समय में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और यहाँ पर मैंने रख दिया है कुकर। जब कुकर हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें 2 बड़े चम्मच हम तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से चटक जाने देंगे। तो जीरा जब हमारा हल्का सा भुन जाएगा, हम यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 1 लहसुन की गांठ, या तो उसको आप पीस लें या फिर दरदरा सा कूट लें या फिर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, उसको डाल देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये लहसुन प्याज डाल दी है, इसको हमें अच्छे से तरीके से भून लेना है। सबसे पहले आप गलती यहीं पे करते हो, जब भी आप सब्ज़ी बनाते हो तो तड़के को अच्छे से भूनते नहीं हो। तड़का हमेशा अच्छा ब्राउन हो जाना चाहिए, तभी सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके का। तो यहाँ पर जो है लहसुन और जो प्याज है हमारी बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो रही है। अब हम यहाँ पर 2 टमाटर की प्यूरी को डाल देंगे। मैंने यहाँ पर मीडियम से साइज़ को के 2 टमाटर लिए हैं, जिनको पीस लिया था। यदि आप यहाँ पर प्यूरी नहीं डालना चाहते हैं तो बहुत बारीक बारीक टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच नमक, या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने लाइट गरम मसाला डाला है। लाइट गरम मसाला मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पर जो गरम मसाला लिया हुआ है, इसमें मैंने बहुत सारा धनिया पीसा हुआ है, जिसकी वजह से जो गरम मसाला होता है उसका टेक्सचर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पका लेंगे, या फिर जब तक पकाएंगे जब तक मसालों से तेल अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाता है। यहाँ पर जो है हमारी प्यूरी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, इससे तेल भी रिलीज़ हो रहा है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच फ्रेश मलाई। नॉर्मल सभी के घरों में दूध के ऊपर से अब मलाई उतारी जाती है, तो 1 चम्मच आप यहाँ पर मलाई डाल दें। जैसे ही आप मलाई को डालोगे, आपकी सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना, एकदम बदल जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा और मीठापन भी सब्ज़ी का ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये मलाई डाली है, मलाई को हमें 2 से 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम करते हुए अच्छे से पका लेना है, जब तक इससे घी रिलीज़ नहीं हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो हमारी मलाई वगैरह है और जो हमारी ग्रेवी थी, बड़ी अच्छे से पक चुकी है। अब मैंने यहाँ पर ये 500 ग्राम आलू और 250 ग्राम की जितनी गाजर ले ली है, उनको मैंने अच्छे से धो के काट लिया था। आलू को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटा है और गाजर को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटा है। आज मैं ये सब्ज़ी बिल्कुल इंस्टेंट बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने कोई भी पहले से तैयारी नहीं की थी, साथ ही साथ ही मैंने तैयारी की है। जैसे हम यहाँ पर गाजर को और आलू को डालेंगे, अब हमें इसकी एक भुनाई करनी है, यानी कि गैस का फ्लेम कर देना है बिल्कुल हाई और 2 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर हमारी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, मसालों की कोट भी आलू गाजर के ऊपर हो रही है, इसका मतलब जो है हमारी आलू और गाजर भून के तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसका ढक्कन लगाना है और मीडियम फ्लेम करके इसमें 4 से 5 सीटी लगा लेनी है। अच्छे से 4 से 5 सीटी लगाएंगे। सीटी लगाते वक्त न तो आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और न बिल्कुल हाई रखना है। लो रखोगे तो सब्ज़ी में बहुत सारा मॉइस्चर यानी कि पानी आ जाएगा, हाई कर दोगे तो सब्ज़ी नीचे से सारी जल जाएगी। 4 सीटी लगा के 5-7 मिनट के लिए कुकर को छोड़ देना है और उसके बाद खोलना है। ये देखिए हमारी आलू गाजर की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यदि सब्ज़ी में आपको ऐसा लगता है कि मॉइस्चर इकट्ठा हो गया है, थोड़ा बहुत पानी आ गया है, तो आप उसको आँच पे रख के सुखा सकते हैं। इस तरीके से एक आलू या फिर गाजर को उठा के मैश करके देख लीजिए, तो अच्छे से मैश हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। अब हमने यहाँ पर हरा धनिया डालकर फाइनल टच दे दिया है। हमारी आलू गाजर की इंस्टेंट सब्ज़ी बनके हो चुकी है बिल्कुल तैयार। ये सब्ज़ी खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि बड़ों को तो पसंद आती है, बच्चों को भी ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब आप इस सब्ज़ी को चाहे तो घर में रोटी चपाती चावल के साथ खाएं, या फिर ट्रैवल में कहीं जा रहे हो वहाँ पे लेके जाए, या फिर बच्चों का लंच लेना हो तब भी आप इस सब्ज़ी को दे सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो इस सब्ज़ी को मैं तो इंस्टेंट में इस तरीके से बनाती हूँ। तो दोस्तों, आप इस सब्ज़ी को अपने घर में किस तरीके से बनाते हो, जब आपको जल्दी होती है काम की, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, यदि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को लाइक कमेंट और शेयर करना। यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए मिलती हूँ आपसे एक और नई सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।